हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 2 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 2 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों परिचय के साथ। पिछले अध्याय की कथाओं और विश्लेषणों से हमें इस बात का आभास हुआ कि लोकतंत्र कैसा होता है। इन कथाओं में हमने कुछ सरकारों को लोकतांत्रिक कहा था और कुछ को अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक। हमने देखा कि इनमें से कुछ देशों की सरकारें औरों से भिन्न हैं। आइए अब इन कथाओं से हम कुछ सबक सीखें और कुछ और बुनियादी सवाल पूछें। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यावहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिह्नित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र क्या है? पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक विवरण पढ़े। इन विवरणों में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों पर चर्चा की। इनमें से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं, दूसरों को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है। क्या हम जिन्हें लोकतांत्रिक कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज याद कर सकते हैं? पिनोशे के शासन से पहले और बाद का चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड, एनक्रूमा की सरकार के शुरुआती दौर का घाना, इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है? हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं? पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रूमा के बाद वाले शासनकाल से इनमें क्या अंतर है? इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या क्या समानताएं हैं? हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं? इन्हीं बातों के आधार पर सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। परिभाषा की जरूरत क्यों? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदोह ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मेरी: मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। एक अध्याय तो किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब, क्या ऐसा ठीक नहीं होता?
लिंग दोहो मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मेरी, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? लिंग दोहो मैडम, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। रिबियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम समय पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? लिंग दोहो मैडम, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? लिंग दोहो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मेरी, मैडम
आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग दो मैडम, एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। एक सरल परिभाषा, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। वह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 4 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही लेसन पढ़ते हैं। धन्यवाद।